अस्सलामुअलैकुम, सब कैसे हैं जी? ठीक हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे जी। ये लेडीज़ का एक डिज़ाइन पड़ा है जी मेरे पास ना, तो लोकल है ये साथ भी लोकल पड़ा हुआ, तो ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला था। इसकी कुछ चीज़ें जो हैं, आप इससे पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लें ताकि कोई न्यू डिज़ाइन जो आता है वो आपको मैं दिखा सकूं और कुछ जो है मैं आपको बता सकूं, कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूं, कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन ले सकूं। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। ये जो चीज़ है जी ब्लैक कलर में है जी, इसकी इस चीज़ को हम, ये जो चमक वाला होता है इसको हम बोलते हैं पैटर्न, पैटर्न। तो ये आर्टिकल तो एक ही है, लेकिन ये जो दूसरा मटेरियल है ये और मटेरियल है, ये रैगजीन टाइप लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसका मटेरियल और उसके मटेरियल में, इसके बकल में भी फ़र्क है, मतलब वो नीचे से जो है क्या कहते हैं वो चिपका हुआ है, इसका फूल नीचे से चिपका हुआ नहीं है, और दोनों के बीच में एक क्लिप होता है अंदर वाली साइड पे के बकल गिरे ना, वो दोनों का ही नहीं है। क्योंकि सस्ता जूता है ये, इसकी प्राइस 700 या 750 है, और इसकी फिनिशिंग आप देख लें, इस चीज़ से पता चलता है कि जूता इंपोर्टेड नहीं है। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा कहीं ग्लू वायर लगा होगा और कहीं से थोड़ा सा गैप होगा, ऐसे करके ये होगा। इसका सोल देख लें जी, ये इसने मेरे साथ जो है वो आप कह लें अल्लाह उसका भला करे, बहरहाल एक रबड़ सोल में भेज दिया, एक इस सोल में भेज दिया। ये क्रेप सोल टाइप है, ये भी ठीक है, लेकिन ये जो रबड़ सोल होता है इसकी और चीज़ होती है। इसको हाथ लगाने में, अब ये ब्लैक कलर हाथ लगाने में स्लिपरी है, दूसरा जो है वो बिल्कुल नरम नरम है, जो गोल्डन कलर में आपको नज़र आ रहा है। ठीक हो गया जी, इसकी लुक आप देख सकते हैं, अच्छा जूता बना हुआ है इस प्राइस में, बहुत ही अच्छा, मतलब के इसका बना हुआ है। अगर ये मेरा जूता चल जाता है तो इसी जूते की प्राइस 1000 तक भी चली जाती है। ये देख लें, रबड़ सोल है, इसकी ये पहचान होती है कि ये पिचक जाता है, ये देखें ना फ्लेक्सिबल होता है, ये भी फ्लेक्सिबल किसी हद तक होगा, लेकिन थोड़ा सा इसने मुझे थकाया है, मतलब पता चला है कि मैं कुछ बैंड कर रहा हूँ। और देख लें जूता भी टेढ़ा हो गया, वो अपनी जगह पे आ जाता है, ये अपनी जगह पे जल्दी नहीं आएगा, ये मतलब कमज़ोर सोल है उसके लिए। वैसे इस प्राइस टैग में ये ठीक है, मैंने प्राइस इसकी ये बहुत मुनासिब लगाई हुई है, हो सकता है कहीं पर आपको 1200 तक भी मिल जाए, लेकिन हमें देखना है कि ये जो चीज़ है ये फिनिशिंग, यहाँ से पता चलता है जूता इम्पोर्टेड है, ये जूता लोकल है जी, ये बिल्कुल लोकल है जी। और इस पर जो इसकी क्या कहते हैं उसको, जो लोशन लगाते हैं वो जो है ना वो हाथ से होता है, अपर पहले बनाते हैं, पहले आप देख लें ये जो ऊपर फूल है ये अलग से लगा हुआ है, फिर उसके नीचे जो ऐसे पट्टा सा बना है वो अलग लगा है। अब इसकी मैं आपको क्वालिटी दिखाता हूँ और फिनिशिंग दिखाता हूँ, ये उससे अच्छा जूता है, इसका मटेरियल अच्छा है, इसका बकल महंगा है, तकरीबन 300 का तो बकल होगा मेरे ख्याल से इसका। ये भी रैगजीन है जी, इसका अंदर से पतावा लग गया है, रबड़ सोल लगा हुआ है नीचे, अच्छा सोल है, फ्लेक्सिबल सोल है, और ये बिल्कुल उस दूसरे गोल्डन की तरह ही है, ये मस्टर्ड कलर ना। ये इसकी प्राइस टैग जो है वो थोड़ी सी महंगी है, ये जो है इसकी फिनिशिंग आप देख लें उससे मतलब काफ़ी बेहतर है, लेकिन आगे से देख लें फिर वही चीज़, उसकी वजह ये है कि ये भी लोकल है, ये भी लोकल है, ये मेरे ख्याल से 1500 का प्राइस टैग था, अभी डिस्काउंट पर मैंने लगाया था, लेकिन इस जूते का एक लुक है, एक इसको आप डालेंगे, इसका मटेरियल अच्छा है, इसकी अच्छी रैगजीन लगी हुई है, इम्पोर्टेड रैगजीन है, इम्पोर्टेड बकल है, अंदर पतावा लगा हुआ है, उनके देखे ना अंदर पतावे भी नहीं लगे हुए, तो ये चीज़ होती है। ये फिर इनका वो देखें, इसका मटेरियल इस पर वो सिलवट बन गई, ये देख लें, ये सिलवट है,
ब्लेंड कर लें, कुछ भी कर लें, इसका आपको सिल्वर नहीं नज़र आएगी आपको। ये एक मटेरियल की होती है डिफरेंस। जब आपने जूता देखना, सबसे पहले उसकी फिनिशिंग देखनी है, उसका सोल देखना है। ज़्यादातर जूता जो है वो ऊपर से एक जैसे ही होते हैं, कापियाँ तो फिर पाकिस्तान में ना जाते हैं, ना आ जाते हैं जी। लेकिन सोल देखें तो तब पता चलता है इसका सोल लैग वाले का कटक कटक करता है, चलते हैं आपको टक टक भी करेगा। ये चीज़ जो है ना, काफ़ी आवाज़ आ रही है मुझे, लेकिन रिकॉर्ड की हुई है इसकी आपको नहीं आ रही। रबड़ सोल कोई कटक कटक नहीं होती है, कोई आवाज़ नहीं होती है। ठीक है जी, ये अगर आपको जूता पसंद आए, अगर आपको परचेज़ करना है तो भी जो है बता दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।